और वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रदेश में खाद की कमी पर उन्होंने कहा, हरियाणा में यूरिया की कमी नहीं है। पिछले पूरे सीजन में जितनी यूरिया हरियाणा के लिए दी गई थी उतनी यूरिया इस साल अभी तक दे चुके हैं। संसद में विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा, सत्र के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हो और विपक्ष सवाल करने के बाद जवाब भी सुने। डीएपी की किल्लत के बाद अब यूरिया की किल्लत प्रदेश में सामने आने लगी है। किसानों का कहना है कि अब डीएपी के बाद जो है यूरिया की कमी प्रदेश में, जो किसानों को जो सिंचाई के बाद जो यूरिया जरूरत होती है उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। तो ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, इनसे बात करते हैं। सर, किसान कह रहे हैं कि डीएपी के बाद अब यूरिया की भी कमी आने लगी है, तो कैसे देखते हैं किसानों की इस बात? नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यूरिया की प्रदेश में कोई कमी नहीं है, और एक एक कमी की फीलिंग हो जाती है तो हर आदमी आगे तक की जनवरी फरवरी मार्च तक की खरीद शुरू कर देता है। किसान भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है कि जरूरत के हिसाब से लें। हमने जो कल तक जितनी पिछले साल यूरिया दी उससे ज्यादा दे रखी है। पिछले साल कल तक की जो खपत थी 5,85,000 मीट्रिक टन की थी, हम 6,20,000 मीट्रिक टन दे चुके हैं, और अगले दिसंबर के 15-20 दिन के अंदर अंदर 2,00,000 मीट्रिक टन भारत सरकार ने यूरिया हमें देने का वायदा कर रखा है। हर रोज चार पांच रैक आ रहे हैं, तो किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो एक चीज आपको हिसाब देना चाहता हूं कि 6,00,000 मीट्रिक टन के अंदाजा 1.25 करोड़ कट्टे बनते हैं यूरिया के, और हरियाणा में सारी खेती सारी 80-90 लाख एकड़ की होती है। शुरुआत में तो हर एक उसके अंदर एक बोरी से ज्यादा की जरूरत नहीं होती जी। ये सही है कि फिर जनवरी में फिर जरूरत पड़ेगी, फरवरी में फिर जरूरत पड़ेगी, मार्च में फिर जरूरत पड़ेगी, तो जो जो जरूरत होगी हम उसको उनको देते रहेंगे जी। और कमी नहीं है भारत सरकार में यूरिया की, हर रोज आ रही है। तो किसान भाइयों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि जरूरत के हिसाब से लेते रहे, आपको भरपूर मात्रा में यूरिया मिलेगी। सर, 2022 तक जो है किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी चीज को देखते हुए 3 कृषि कानून लेके आए, वो रिपील कर लिए गए हैं। अब कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 2022 तक, क्योंकि आप हलकों में जाएंगे अपने क्षेत्र में जाएंगे तो लोग पूछेंगे 2022 का सवाल कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हो पाई, तो कैसे इसको जस्टिफाई कर पाएंगे आप लोग? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तब उन्होंने 2014 में कहा था कि किसान की आमदनी को मैंने दुगना करना है, और तभी से बहुत सारी उन्होंने योजनाएं बनाई, फसल बीमा योजना लेके आए, स्वामीनाथन आयोग है उसकी रिपोर्ट लागी की, यूरिया पर नीम का लेपन किया, जो सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए, किसान सम्मान निधि दी, फसलों के भाव बढ़ाए, प्रोक्योरमेंट ज्यादा की, और उसका परिणाम यह है कि कोई एक तारीख को आमदनी दुगनी नहीं हो रही। 2014 से लेकर आज तक बहुत सारी चीजों के भाव तो दुगने हो चुके हैं। कपास का भाव आप देख लीजिए, गन्ने का भाव आप देख लीजिए, बाजरे का भाव आप देख लीजिए, जो सरसों का भाव आप देख लीजिए जो हरियाणा में खेती होती है आमतौर पर, और गेहूं और धान का भाव भी लगभग 60-70% तब से बढ़ा है जी। तो ये एक लगातार सिस्टम चलता रहता है किसान की आमदनी बढ़ाने का, जबकि हमने कोशिश की है कि बिजली के रेट वही रहे, खाद के रेट यूरिया के रेट वही रहे, डीएपी के रेट यही वही है। कोशिश ये रखी है कि जो चीजें हैं सरकार के हाथ में है उनके रेट नहीं बढ़ने दिए, और इससे किसानों को फायदा भी हुआ है। किसान को जोखिम होता था फसल बीमा, 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हम किसान को फसल बीमा का दे चुके हैं, 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हम खराबे का पैसा दे चुके हैं, हम 800-900 करोड़ रुपए हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का दे चुके हैं, और तरह तरह की योजनाएं हमने बनाई है कि फसलों के विविधीकरण के लिए, बागवानी के लिए, फूलों की खेती के लिए, मशरूम के लिए, और पशुपालन के लिए, भेड़ बकरी पालन के लिए, पिगरी के लिए, खारे पानी की जमीन है उसमें झींगा पालन के लिए जी। तो ये योजनाएं जो दे रहे हैं उसका परिणाम भी आ रहे हैं और किसानों की आमदनी बढ़ रही है। सर, एक बेमौसमी बरसात की वजह से कॉटन की जो फसल थी वो लगभग खराब हो चुकी है, कई इलाकों में पानी जल भराव की स्थिति अब भी है, तो उसके लिए एक स्पेशल गिरदावरी कराई गई थी, क्या उसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंच गई है, और पहुंच गई है तो कब तक वो मुआवजा राशि है उन तमाम जो किसान उनके खातों में चली जाएगी? ये किसानों की बेमौसमी बारिश से जो फसलें खराब हुई, खासकर बाजरा की, कपास की, मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए, और इतना ही नहीं,
उन्होंने जो मुआवजा राशि थी उसको भी 25% बढ़ा दिया, अपने आप 12,000 रुपए के बजाय इसको 15,000 कर दिया। और अब जो गिरदावरी की आमतौर पर रिपोर्ट जिलों से आती है, बहुत सारे जिलों से आ चुकी है, सबसे आकर कंपाइलेशन का काम चल रहा है और इकट्ठा करके ये जल्दी हम मुआवजा दे देंगे। सर आजकल विपक्ष भी लगातार आप लोगों पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है एचपीएससी के मामले को लेकर, तो विपक्ष का लगातार यही कहना है कि जो सरकार है वो फेर जांच नहीं करा रही, जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष का काम हाउ लटकाना है। विपक्ष के वक्त में जो नौकरियां थी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हटती थी, बहुत सारे लोग जेलों में भी गए, हमारी जो भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम खुद पकड़ते हैं, कार्रवाई करते हैं, और जो जिस कर्मचारी ने बेईमानी की हमने उसको डिसमिस भी कर दिया। और विपक्ष के वक्त में जो था ऐसे काम होते रहे हैं और उन्होंने सारी नौकरियां ज्यादातर बेईमानी से दी हैं, और उनके वक्त में जो उनके चहेते होते थे या पैसे वाले होते थे, थर्ड डिवीजन वाले भी नौकरियां छीन ले जाते थे, गरीब का बच्चा फर्स्ट डिवीजन वाला रोता रह जाता था। हम ऐसा काम नहीं करते, हम बिल्कुल मेरिट पर नौकरी देते हैं, और जो कोई गड़बड़ करता है उसको चीज को छिपाते नहीं, पब्लिक के सामने लाते हैं, सबके सामने कार्रवाई करते हैं। एक शीतकालीन सत्र आने वाला है सर, 17 तारीख से शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा, विपक्ष लगातार सड़क से लेकर सदन तक आप लोगों को घेरने का प्रयास करेगा, किस प्रकार के जवाब आपके रहने वाले, किस प्रकार की तैयारियां जो हैं आपकी हैं, क्योंकि एमएसपी को लेकर भी जिस प्रकार से किरण चौधरी ने कहा था कि जो बजट सत्र था उसमें सरकार एक प्रस्ताव लेके आई थी, धन्यवाद प्रस्ताव कृषि कानूनों के फेवर में, तो अब एक और प्रस्ताव लेके आने की बात कही जा रही है एमएसपी के लेकर, क्योंकि ये सदन उसको पास करे और आगे भेजे। मैं तो ये चाहता हूं कि विपक्ष ये मांग करे कि आज जो किसान है देश का या प्रदेश का, वो कर्जे में है, उसके हालात कमजोर है, उसकी आर्थिक अवस्था कमजोर है, खुल के इस पर चर्चा करे ना, किस वजह से ये नौबत आई, कोई एक दिन में तो ये हुआ नहीं, पिछले 60-70 साल से जो पिछली सरकारों की नीतियां थी उस पर चर्चा होनी चाहिए कि उनकी वजह से ही है आज किसान की हालत ये है। और विपक्ष जो है ये एक हेडलाइन बनाने के लिए, न्यूज बनाने के लिए चर्चा का कोशिश आडंबर करता है, एकदम से वॉकआउट कर जाता है, गंभीर चर्चा करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। और हम हर मुद्दे पर, हम क्योंकि हमारे तो सारा पारदर्शी सिस्टम है, कोई चीज छिपाना नहीं चाहते, और लेकिन विपक्ष जो है हमेशा देखते हैं कि कोई हम गंभीरता से चर्चा करने के लिए होता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हेडलाइन बना के बाहर वॉकआउट कर जाता है। सर आप कह रहे हैं कि चर्चा जरूर होनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष का ये भी आरोप शुरू से लगता है कि जो सदन की कार्रवाई होती है वो काफी कम होती है, 3 दिन की अवधि सरकार की तरफ से रखी गई थी, क्या पर्याप्त हो पाएगी फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए? ये काम तो विधानसभा के स्पीकर का है या जो इसका फैसला करती है कमेटी है उनका है, लेकिन जितनी जरूरत होती है हमने पर्याप्त समय दिया है, हमने विपक्ष के सवाल ज्यादातर हम जो पहले इसकी बजाय लॉटरी निकालने शुरू की है, विपक्ष को ज्यादा टाइम देते हैं, सेशन की अवधि भी बढ़ाई है, हर चीज में हम पहले से बेहतर कर रहे हैं, और लेकिन गंभीरता से विपक्ष चाहता ही नहीं कि चर्चा हो या मुद्दे उठे, उनकी रुचि नहीं होती। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। दलाल साहब का साफ तौर पे कहना है कि जो यूरिया की कमी बताई जा रही है, हालांकि यूरिया की फिलहाल प्रदेश में कोई कमी नहीं है, अगर फिर भी कमी लगती है तो लगातार जो यूरिया की जो गाड़ियां हैं वो प्रदेश में भेजी जा रही हैं, और कहीं किसी प्रकार की कहीं कमी लगती है तो किसानों से एक अपील उन्होंने खासतौर पर कही है कि स्टॉक ना करें, कम से कम यूरिया को स्टॉक ना करें, और जिस प्रकार से जरूरत है उतने ही बैग जो है परचेज करें, आगे स्टॉक करेंगे तो ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने साफ करा है कि आने वाला जो विधानसभा का जो सत्र है उसमें विपक्ष के तमाम जो सवाल हैं उनका जो है फ्रूटफुल डिस्कशन उन पे हो, और उनका जो जवाब है वो सरकार की तरफ से अच्छे से दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कल्याण, हरियाणा न्यूज चंडीगढ़। और वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से स्कूल खोलने भर्ती में हुए घोटाले